I am Shantia Parveen and today we will discuss about the concept of problem solving method. समस्या समाधान विधि क्या होती है इसको हम यहाँ पे जानेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स फॉर अ सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन. यानी कि समस्या समाधान विधि एक ऐसी मेथड है जहाँ पे हम किसी भी प्रॉब्लम को फर्स्टली आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली समस्या क्या है और उसके बाद क्या करते हैं कि हम उससे जुड़े हुए जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम का अकरेंस हो रहा है या वो प्रॉब्लम रेज हो रही है उस प्रॉब्लम के से जुड़े हुए कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे ही हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं प्रॉब्लम्स का उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से वेरियस सॉल्यूशन से कि कौन कौन से सॉल्यूशन हम लोग अपना करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. उसके बाद बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं वो आता है स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कि समस्या समाधान विधि के कौन कौन से चरण हैं. ये स्टेप्स बच्चों ये पूरे डिसाइडेड होते हैं, इनमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, इनके स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं हो सकते. इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम स्टेप्स को बात करेंगे उसी सीक्वेंस या ऑर्डर को फॉलो करेंगे जिसमें यहाँ पे मेंशन है. सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम. भाई हमें समस्या समाधान विधि मिली है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जब तक हम उस प्रॉब्लम के बारे में हमें कोई समस्या देगा नहीं हम कैसे आगे स्टेप पे जाएंगे. जो फर्स्ट स्टेप होता है वहां पे हम लोग सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम करते हैं या समस्या का चुनाव करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली में समस्या है क्या. नेक्स्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ये बहुत जरूरी होता है कि उस प्रॉब्लम की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन हो. अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम कैसे फर्दर काम कर सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो. फिर थर्ड स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस की बात की जा रही है, मैंने आप लोग को पहले भी क्लासेस में बता चुका था, आज भी बताऊंगी कि हाइपोथेसिस यानी कि जिसे हम हिंदी में परिकल्पना बोलते हैं, इट इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. किसी भी समस्या का संभावित समाधान हाइपोथेसिस कहलाता है. तो यहाँ क्या होता है फॉर्मुलेशन होता है ऑफ द हाइपोथेसिस यानी कि उस समस्या से जुड़ी हुई डिफरेंट परिकल्पना यानी संभावित समाधान हम लोग डिजाइन करते हैं बनाते हैं इस स्टेप में. फिर उसके बाद उन्हीं हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम डेटा कलेक्शन के लिए फर्दर जाते हैं. डेटा कलेक्शन में भी यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है डेटा का. डेटा टू टाइप के होते हैं जिन्हें हम हिंदी में तथ्य बोलते हैं. तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा बच्चों वो होता है जब हम किसी पर्सन से डायरेक्टली उसी से डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा वो होता है या जो द्वितीयक डेटा वो होते हैं जो कि हम किसी भी प्राइमरी डेटा को रीयूज में लाते हैं, तो वो आपका कहलाता है सेकेंडरी डेटा. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डेटा वेरियस जो मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, जैसे कि सर्वे मेथड है, ये सारे उनके थ्रू हम यहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं. और फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा. जब हमने डेटा का कलेक्शन कर दिया अब यहाँ पे क्या होता है उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से वेरियस जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स भी आते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज को के थ्रू हम लोग उनकी हेल्प के थ्रू एनालाइज करते हैं और उसी एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं कि एक्चुअली में क्या रिजल्ट आ रहे होते हैं और लास्ट में क्या करते हैं उन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग फॉर्मुलेट कर देते हैं कंक्लूजन कंक्लूजन यानी कि सार प्रस्तुत कर देते हैं कि उस प्रॉब्लम से क्या फाइंडिंग्स मिली हैं. फिर इसके बाद हम लोग करते हैं मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. जैसे कि हर मेथड्स के आपका कुछ ना कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के भी कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स भी हैं. तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे इसके वेरियस मेरिट्स के बारे में. सबसे पहले एक्टिवनेस ऑफ द स्टूडेंट्स. ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे प्रॉब्लम टीचर बच्चे को देती है और बच्चा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करके सारे स्टेप्स को खुद से परफॉर्म करके उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है. यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक्टिव रोल में स्टूडेंट होते हैं और एक्टिव उनका रोल होता है, टीचर उसे एज अ गाइड के तौर पे गाइड करता रहता है टाइम टू टाइम. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी. जिज्ञासाओं का
विकास ये एक ऐसा स्टेप है जब आप किसी भी हम समस्या को खुद से सॉल्व करने में बिजी होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं हमारे माइंड में, जिससे कि क्या होता है जिज्ञासा डेवलप होती है और हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या जो है सोचने विचारने की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है इन्हांसमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता या कैपेबिलिटी खुद से डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये वेरियस स्टेप्स फॉलो करके जब वो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ ही साथ उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, जिससे कि वो खुद से ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल मेथड। बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक साइकोलॉजिकल मेथड है, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि ये हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता है। ये कॉन्सेप्ट पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे बेस्ड है। प्रॉब्लम दी जाती है तो यहाँ हर एक बच्चे के आस्पेक्ट को ध्यान में रख करके दिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक साइकोलॉजिकल मेथड है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल पावर। ऑब्वियसली बात है बच्चों, जब हम किसी प्रॉब्लम को खुद से डील करेंगे या टैकल करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, लॉजिक पे बेस्ड हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो यहाँ क्या है लॉजिकल पावर का डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरिट्स की बात हो गई तो ऑब्वियसली कुछ डीमेरिट्स भी है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, टाइम टेकिंग। इतने स्टेप्स हैं, सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं बच्चों, कि उन स्टेप्स को करने के लिए बहुत सारे यहाँ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि बहुत ही कम टाइम में नहीं मेथड हो पाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम की जरूरत है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मैथड टू ऑल डिसिप्लिन। ये एक ऐसा मेथड है जो सारे डिसिप्लिन्स पे अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि अगर साइंस टाइप का कोई टेक्निकल पेपर है तो वहाँ तो इसका यूज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, कोई टोटल थ्योरेटिकल पेपर है तो वहाँ पे आप जो है इसका अप्रोप्रिएट मैनर में यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हर डिसिप्लिन के लिए सुइटेबल नहीं है। नेक्स्ट है स्किल्ड एंड ट्रेंड टीचर रिक्वायर्ड। यहाँ पे इस मेथड को बच्चे को टाइम टू टाइम कैसे गाइड करें उसके लिए जरूरी होता है कि टीचर को भी उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज हो, वो स्किल्ड हो और ट्रेंड हो। जब हम ट्रेंड रहेंगे तभी तो बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर सकेंगे ना, तो इस वजह से कहा जाता है यहाँ स्किल्ड एंड ट्रेंड टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज द रेट ऑफ मोनोटोनी। हाँ बच्चों, यहाँ पे कभी कभी नीरस एनवायरमेंट की भी बढ़ोतरी हो जाती है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है प्रॉपरली तब तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम कहीं फंसते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आगे हमें किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वहां पे क्या होता है मोनोटोनस एनवायरमेंट, एक नीरस एनवायरमेंट में भी बढ़ोतरी होती है और इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट नॉट पॉसिबल। जब हम यहाँ पे हाइपोथेसिस से पहले, मतलब यहाँ मेंशन नहीं है स्टेप्स में, कई जगह मेंशन भी होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी लेकर के चले होंगे, उसी के बेसिस पे हाइपोथेसिस डिजाइन हुआ होगा, तो जरूरी नहीं कि जो स्टूडेंट उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बना रहा है वो हमेशा सही हो, तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये भी इसका एक ड्रॉबैक आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सजेशंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, क्या क्या सजेशंस होना चाहिए इस मेथड को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने के लिए। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम देते टाइम टीचर को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है, जो मेंटल लेवल है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई लेवल का दे देंगे तो बच्चा प्रॉपरली उस चीज़ को नहीं डील कर पाएगा, लो लेवल का देंगे तो बच्चा तुरंत कर लेगा, तो इसलिए और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप हो पाएगी, ठीक है, तो इसलिए बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से हमेशा ये प्रॉब्लम्स देनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ स्टेप्स को करने के लिए हमें फोकस होना पड़ता है उस कॉन्सेप्ट पे, अगर हम फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अटेंटिव नहीं रह रहे हैं, तो उस स्टेप्स को हम प्रॉपरली नहीं फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे हमें स्पेशल अटेंशन भी देना होता है इस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है प्रैक्टिकेबल। बच्चों हमेशा प्रैक्टिकेबल नेचर
टीचर का प्रॉब्लम बच्चे को देना चाहिए ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बच्चे को फायदा या बेनिफिट्स भी हो। एक और चीज है कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर रिक्वायर्ड, यहाँ पे टीचर के प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको बताया ना कि टीचर टाइम टू टाइम सही रूप में स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने एम या जो उसका ऑब्जेक्टिव है फाइनली फाइंडिंग्स निकालना, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, वो चीज़ पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि टीचर के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक एंड बेनिफिशियल प्रॉब्लम। एक और चीज़ है कि प्रॉब्लम वही देनी चाहिए, इमेजिनरी प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए, बल्कि रियलिस्टिक जो रियल सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट है, सोसाइटी से जुड़े हुए इश्यूज हैं जो रियलिस्टिक है उनको यहाँ देना चाहिए, और जो बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। तो हमेशा ऐसे ही प्रॉब्लम्स को लेकर के इस मेथड में देना चाहिए उन्हें बच्चों को, ताकि जो है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और उनके लिए फायदेमंद भी हो। नेक्स्ट और ये लास्ट है यूज ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड। यहाँ पे एनालिसिस मेथड का मतलब कि चीजों को क्या करेंगे, टुकड़े में बांट करके समझेंगे और बाद में उन्हें सिंथेसाइज करके, है ना, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे हिस्सों में कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, सिंथेसाइज या एक साथ जोड़ करके प्रेजेंट करेंगे जब आप अपने कंक्लूजन में फॉर्मुलेट करेंगे कंक्लूजन। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड का भी एप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। और इसी के साथ बच्चों हम लोग का ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच।